एक समय की बात थी, सर्दी का मौसम था, जब चौधरी जी शाम के समय जंगल से यात्रा कर रहे थे। चौधरी जी एक न्यूज रिपोर्टर के नौकरी करते थे। वह अपने काम से शहर से लौट रहे थे। उस रात अधिक ठंड होने के कारण वह उस रात बिताने के लिए एक घर के खोज में थे। बहुत खोज के बाद उन्हें एक घर दिखा। उस घर के ओर चौधरी जी गए और दरवाजा खटखटाए। कोई है? अरे बाबा कोई है, जरा दरवाजा तो खोलो। यह कहकर आवाज देने लगे। इतने में एक सुंदर स्त्री दरवाजा खोलते हुए उनका स्वागत करती है। ये घर काफी अजीब है, क्या आप इस बड़े घर में अकेले रहते हो? क्या लोग यहाँ आते हैं रहने? इतने सारे सवाल करते हुए उस घर के अंदर घुस गए। उस स्त्री ने चौधरी जी के सभी आवश्यक विवरण अतिथि पुस्तक पर लिखने के लिए कहती है। आप जैसे अतिथियों के लिए ही ये घर बनाया गया है, परंतु पिछले 3 महीनों से कोई भी यहाँ नहीं आ रहा। 3 महीने के बाद आप ही पहले अतिथि हैं यहाँ इस घर में। चौधरी जी अतिथि पुस्तक को भरने के दौरान वह अन्य मेहमानों के नाम पढ़ता है जो अतिथि में वहाँ रहे और उनके नामों से परिचित थे, परंतु उन्हें ठीक से याद नहीं था कि वह उन नामों को कहीं पर देखे। इतने में चौधरी जी को बहुत भूख लग रही थी और उस स्त्री से पूछे, मुझे काफी भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? आप अपने कमरे में आराम कीजिए, मैं आपका भोजन का इंतजाम करती हूँ। चौधरी जी अपने कमरे में चले जाते हैं और बिस्तर पर लेटे हुए पूरे कमरे को अच्छी तरह से अपने आंखों से जांच करने लगे और खिड़की के बाहर देखा कि पूरा जगह कोहरे से ढका हुआ है। चौधरी जी देखे कि पिंजरे में बंद पक्षी नहीं हिल रहा था। यह सब कुछ देखकर उन्हें संदेह और भय होने लगा। इतने में वो स्त्री चौधरी जी के लिए खाना ले आई। अधिक भूख के कारण बिना कुछ सवाल किए चौधरी जी भोजन करने लगे। खाने के बाद चौधरी जी ने बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आराम के लिए जगह दी और भोजन भी दिया। यह उस स्त्री से कहकर चौधरी जी सोने के तैयार कर रहे थे कि इतने में अधिक कोहर की वजह से चांद भी ढक गया और वह स्त्री देखते ही देखते एक चिड़िया में बदल जाती है। यह देखकर चौधरी जी डर के मारे चिल्लाने लगे थे, अरे बचाओ बचाओ, ये तो चुड़ैल है, हे भगवान मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ, बचाओ। मेरे हाथों से तुम्हें कौन बचाएगा, बहुत दिनों के बाद किसी मनुष्य का खून पीने को मिला। जैसे ही वो चुड़ैल चौधरी के ओर बढ़ रही थी, अचानक से वह बड़े से गोरिल्ला में बदल जाते हैं। यह तो मुझे मारने आया है और ये मेरे से भी अधिक बड़ा और बलवान है, बचाओ रे, मेरी शब्द आ गई, बचाओ। उस गोरिल्ला ने चुड़ैल को मारकर जंगल में चला गया। अगले दिन चौधरी जी जब अखबार पढ़ रहे थे, उन्हें याद आया कि वो नाम जो उस अतिथि पुस्तक में पढ़े वो तो उन लोग थे
जो काफी महीनों से लापता थे। अंजा ने ही सही चौधरी जी गांव वालों को उस चुड़ैल से बचाया। आगे देखिए पार्ट टू में। डॉक्टर एंड पेशेंट, फनी स्टोरी। रामनगर गांव में मोहन और सोनू दो दोस्त रहते थे। मोहन पढ़ा लिखा और होशियार था। सोनू लुटेरा और बेवकूफ था। कुछ साल बाद मोहन डॉक्टर बन गया और सोनू गांव के सभी लोगों से कुछ न कुछ लूटता था और पूरा गांव वालों के नाक में दम करता था। किसी को भी चैन से अपना काम नहीं करने देता था। सबको तंग करने में उसे बहुत मजा आता था। मोहन गांव में अपना खुद सा एक छोटा सा क्लिनिक खोला। गांव में क्लिनिक नया होने के कारण उसके पास बहुत कम लोग आया करते थे। काफी सोच के बाद उसे एक आइडिया आया। अगले दिन क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगाया जिसमें लिखा था 500 रुपए में इलाज करवा लो, इलाज नहीं हुआ तो 1000 रुपए वापस। लालची सोनू जब इस बोर्ड को पढ़ा उसने खुद से बोला, अरे वाह क्या स्कीम है, 1000 रुपए कमाने के लिए ये तो बढ़िया मौका है। अब देखो इस डॉक्टर रामू को मैं कैसा लूटने वाला हूँ। यह कहकर वह मोहन के क्लिनिक पर गया। डॉक्टर साहब मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। मोहन जब सोनू को देखा उसे पता था कि वो सिर्फ 1000 रुपए ले जाने आया। नर्स, बक्सा नंबर 15 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ इस पेशेंट को। नर्स 3 बूंद पिलाया। अरे पागल डॉक्टर, ये तो पेट्रोल है। कोई अपने पेशेंट को पेट्रोल पिलाता है क्या, पागल कहीं का। मुबारक हो मुबारक हो, आपका तो टेस्ट बड एकदम ठीक है। चलो निकालो 500 रुपए। सोनू 500 रुपए दिया और चला गया। कुछ दिन बाद फिर वापस गया क्लिनिक पर पुराने पैसे वसूलने। डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त जरा कमजोर हो गई है, कुछ कीजिए ना। नर्स, बक्सा नंबर 15 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ इस पेशेंट को। लेकिन डॉक्टर साहब वो दवा तो जबान का टेस्ट बड ठीक करने के लिए है। ये लो तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ गई, चलो निकालो 500 रुपए। सोनू को बहुत गुस्सा आया, पैसे दिया और चला गया। मैं इस बार बिल्कुल उल्लू नहीं बनूंगा, इससे तो मैं किसी भी तरह से अपने पैसे वसूल करके ही रहूंगा। डॉक्टर साहब मेरी नजर जरा कमजोर लगने लगी है मुझे। इसकी दवाई तो मेरे पास नहीं है, चलो ये लो तुम्हारे पैसे। अरे डॉक्टर साहब ये तो 500 रुपए का नोट है,
तुमने तो बोला कि इलाज न होने पर 1000 रुपए मिलेंगे। कहाँ है मेरे 1000 रुपए? ये लो कर लो बात। तुम्हारी आंखों को तो कुछ भी नहीं हुआ है, देखो तुम्हारी नजर बिल्कुल ठीक है। चलो 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 मेरे पैसे निकालो। सोनू नाराज हुआ और वहां से चला गया। अब उसे उसका सबक मिल गया।